कहते गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे आप सभी लोग मुझे कमेंट सेशन में जरूर बता देना कैसे हम लोग के गेम के अंदर में इस मंथ का इलाइट पास आने ही हुआ है। दो दिन हो चुका है, आप सभी को पता होगा। और इस बार का इलाइट पास यार काफ़ी ज़्यादा ओपी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपी है। मतलब पहले से दो तीन मंथ पहले वाला इलाइट पास से कंपेयर करो तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस ये इलाइट पास आपको बाई करना चाहिए, नहीं बाई करना चाहिए, क्या आपका 500 डायमंड लगा करके बाई करना चाहिए, या फिर गाइस आप सभी लोगों को ये डिस्काउंट इवेंट में मिलेगा, क्या हाइड आउट डिस्काउंट इवेंट में मिलेगा, कौन सा इवेंट में मिलेगा, सब कुछ अगर हमें आप सभी को बता दे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, ठीक है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो जल्दी से भाई। इसका आइटम थोड़ा सा हम एक बार मिनी रिव्यू कर देते, ठीक है, मिनी रिव्यू कर देते, जो जो मेन सबसे मेन मेन बंडल चीज़ है वो सब के बारे में। भाई फीमेल का कॉस्ट्यूम देखो यार, इससे पहले लाइट पास में बहुत ही रेयरी ये आया था, ठीक है, क्या ही ओपी लग रहा भाई, क्या ही ओपी लग रहा, बहुत ही मस्त लगा मुझे, ठीक है। और इसका अलावा आगे हम बढ़ते, जो मेन बंडल है देखो भाई, गन्स का स्किन वगैरह में थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह बहुत ही अच्छा आ रहा है, ठीक है, जो जो मेन चीज़ है वो सब में बहुत अच्छा आ रहा। और सबसे मेन बात तो भाई यहाँ पे आप सभी को इलाइट पास में इमोट, इलाइट पास में इमोट होने के बाद भी भाई आप सभी को ये डिस्काउंट में मिल सकता है या नहीं बताते आपको, ठीक है। तो देखो यार इसका इमोट भी है, और इसका बंडल का मेन बंडल की बात करें तो देखो यार इसका फेस मास्क येलो टाइप का है, और इसमें एक मास्क दिया गया, ठीक है, और ये मास्क भाई लिटरली बता रहे बहुत ही ओपी लग रहा भाई, बहुत ओपी लग रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो भाई हेयर में तो भाई एकदम आगे आगे कर दिया गया, मतलब ये थोड़ा सा क्रिंज लग रहा है, बट फिर भी वीएफएक्स वगैरह बहुत ही अच्छा बनाया, ठीक है। बट टॉप का बात करते ठीक है, बॉटम भी ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है। देखो यार तो इलाइट पास ऑलमोस्ट सही है, बहुत बहुत सही है भाई, बहुत सही है, क्या ही बताओ। लेकिन इसे बाय करने के लिए आपको देखो, अगर आप अपग्रेड करोगे तो आपको यहाँ पर लगेगा 499 डायमंड, ठीक है, 500 डायमंड लगेगा। लेकिन 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 आपको हम बताना चाहेंगे, ये आपको डिस्काउंट में भी मिल सकता है, आपको ये बाय नहीं करना है, अभी अभी बाय नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपना सिचुएशन बताते हैं, हम अपना सिचुएशन बहुत ही गंदा चल रहा है भाई, देखो मेरा कितना गंदा हालत है। ये मन तो मैंने लाइट पास बाय नहीं किया है, मन किया था बाय करने के लिए, और उसके बाद देखो बाय करने के बाद भी मैंने 40 बेचेस ओनली, मतलब समझ लो मेरा क्या हालत चल रही होगी अभी। और उसके बाद इस मंथ का बात करें तो अगर हो सके तो इस मंथ हो सकता है कि मैं क्लाइम कर लूँ, ठीक है। और आप लोग बोल रहे हो कि मतलब किसी और को खेलने के लिए क्यों नहीं दे दे रहे हो आईडी पासवर्ड दे दो अपना फ्रेंड वगैरह का, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, मेरा टोटल फ्रेंड फ्री फायर को छोड़ चुका है, ठीक है, जो भी मेरा आईडीज खेलता हुआ था सब कुछ छोड़ चुका, जो अभी मतलब आ रहा है, ठीक है, जो है अभी जो दोस्त वगैरह है वो विश्वास करने के लायक नहीं, ठीक है। तो मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया था, इसी लिए भाई मैं क्या किया, मैं इस बार के लाइट पास मतलब पिछले बार के लाइट पास को बाय करने के बाद भी मुझे डिस्काउंट में मिला, उसका बाद भी मैं मतलब नेगलेक्ट किया, छोड़ हटाओ मेरा मतलब आईडी तो सेफ रहेगा ना, तो उस टाइप का आप लोग देख लेना, ठीक है, जिससे आप फेस टू फेस जानते हो उसी को आईडी पासवर्ड देना, ठीक है। क्या यार मैं भी कहाँ जाने लग रहा हूँ, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि मतलब लाइट पास में डिस्काउंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो देखो दुर्गा पूजा का टाइम है, और मेरा घर के सामने मंदिर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको मतलब म्यूजिक सुनाने देगा ये 9-10 दिन, और यार अच्छा बात है, कोई गलत बात नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि भाई पीछे में गजब का आवाज़ आ रहा होगा, आप लोगों को पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं। तो गाइस हैप्पी दुर्गा पूजा कमेंट सेशन में बोल देना आप लोग भी, और मतलब कपड़े वगैरह क्लोथिंग वगैरह बाई किए नहीं मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और भाई मैं आपको बता देता हूँ, इस बार का इलाइट पास यानी कि अक्टूबर के इलाइट पास आपको डिस्काउंट इवेंट में मिलने का बहुत ही कम चांस है। अब मिलेगा भी तो देखो कुछ स्पेशल बंदे को मिलेगा, वो भी हाइड आउट इवेंट के अंदर में, ठीक है। सबसे पहले तो कम चांस क्यों है, तो इसमें इलाइट पास है, सॉरी इलाइट पास के अंदर में आपको इमोट है, इमोट के साथ साथ आइटम रेयर है, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट में तो मिलने का कम ही चांस है। लेकिन हाँ फिर भी आप 25, 26, 27 तक आप लोग वेट कर लेना, ठीक है। 27 तक आपको हाइड आउट इवेंट आता है, हाइड आउट ग्लिच इवेंट आता है, ग्लिच नहीं मतलब वो कुछ कुछ स्पेशल बंदे को मिलता है, तो उसके अंदर में आपको इलाइट पास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस मतलब अब तो हम क्या ही बताऊँ, बहुत एंड में मतलब 1-2 दिन बाकी रहता है इलाइट पास,
तभी हम बाइक करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो ना, बहुत ही एकदम रेयरली है बाइक करना, ठीक है, अभी बहुत ही रेयरली है कि अभी बाइक करना, लास्ट में एकदम बाइक करना, ठीक है। मतलब 27 तक बाइक करोगे तो आपको क्या पता हाइड आउट में कुछ कुछ स्पेशल बंदे को दिया जाता है, मतलब इलाइट पास। पिछला बार मुझे नहीं, मुझे 2 मंथ हो गया, तो हो सके इस मंथ मेरा आ सकता है हाइड आउट में, ठीक है। तो हो सके तो देखो, 1 मंथ छोड़ करके 1 मंथ आई डी में आता है, लेकिन मेरा 2 मंथ हो गया, तो इस मंथ तो ज़रूर आएगा हाइड आउट टॉपअप इवेंट, या फिर मुझे कुछ भी जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बाय वगैरह मत करना, ठीक है। बाकी गाइस, आप लोग 27 तक वेट कर लेते हो, उसका बाद भी मतलब नहीं आता तो फिर बाय कर लेना, और उसका बाद 3 दिन है, तो आप लोग मिशन 25 तो क्लाइम करना है, बेचेस करना है, तो वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट में बताना आप लोग का दुर्गा पूजा कैसा जाने वाला है, ठीक है। तो चलो, आपका क्या प्लान है दुर्गा पूजा के लेके मुझे बता देना, ठीक है। तो यार, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिया बाय।